आज हम सभी कोरोना महामारी की इस तबाही को झेल रहे हैं और झेलना भी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पूरे किए कराए के जिम्मेदार हम खुद हैं। शायद आप भूल गए, साल 2021 फरवरी को जब देश में कोरोना के केस 8,635 रिकॉर्ड किए गए थे, तो लोगों को लगा कि कोरोना अब पूरी तरह से खत्म हो गया है। सभी के मन में ये उम्मीद जगने लगी थी कि अब कोरोना का नाम सुनने को भी नहीं मिलेगा। केसेस में कमी आते ही हम सभी ने क्राइसिस को खत्म मानकर सब कुछ खोल दिया। लोग घरों से निकल पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग केवल नाम के लिए दिखने लगी, मास्क मुंह और नाक से नीचे खिसक कर गले तक आ गए। शादी से लेकर पार्टी फंक्शंस में भीड़ उमड़ने लगी, यहाँ तक कि इलेक्शन रैलियों में भी भीड़ बढ़ने लगी। स्कूल ऑफिसेस खोल दिए गए, सिनेमा हॉल, मॉल्स, टूरिस्ट स्पॉट्स गुलजार होने लगे। और फिर अचानक मार्च खत्म होते होते देश में और दुनिया भर में कोरोना की दूसरी लहर का शोर लौट आया। अप्रैल की शुरुआत से ही कोरोना का दौर ऐसा लौटा कि पिछली लहर को काफी पीछे छोड़ गया। देश की इस लापरवाही के चलते आज हमें कोरोना के इस भयावह रूप से गुजरना पड़ रहा है। देश में कोरोना की सिचुएशन इतनी बिगड़ी है कि देश के बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस ने हाथ खड़े कर दिए हैं। शहर शहर हॉस्पिटल्स में बेड्स, आईसीयू बेड्स, वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सिलेंडर तक की कमी देखी जा रही है। यहाँ तक कि शमशान घाटों में भी लाइनें लगी हैं। कोरोना से निपटने में जरूरी रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए घंटों लोगों को लाइनों में लगते देखा जा रहा है। देश की कंडीशन को देखते हुए अब हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर कब इस कोरोना वायरस से छुटकारा मिल पाएगा। सिंगापुर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजाइन SUTD ने मैथमेटिकल मॉडल के जरिए बताया है कि अलग अलग देशों में COVID-19 क्राइसिस कब खत्म होंगी। इंडिया की बात करें तो अगर SUTD की भविष्यवाणी सच साबित होती है तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर होगी। स्टडी के मुताबिक भारत में 24 मई तक कोरोना वायरस 97% तक खत्म हो जाएगा, 20 जून तक यह 99% तक खत्म हो जाएगा। इसे पूरी तरह खत्म होने में 31 जुलाई तक का टाइम लगेगा। कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे इंडिया में सिचुएशन नॉर्मल होने में जुलाई तक का वक्त लग सकता है। हालांकि एक्सपर्ट्स का मानना है कि मई के दूसरे सप्ताह तक कोरोना संक्रमण के मामले पीक तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इन्फेक्शन रेट को मिनिमम आने में 2.5 महीने या इससे भी अधिक का समय लग सकता है। IIT कानपुर के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने सूत्र मॉडल का उपयोग करते हुए कहा है कि कई राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों की पीक मई के पहले वीक में आनी शुरू हो जाएगी और मिड मई में संक्रमण में गिरावट का दौर शुरू हो जाएगा, लेकिन देश में हालात नॉर्मल होने में या यू कहें कि फरवरी की तरह सिचुएशन वापस आने में जुलाई तक का समय लग पाएगा, क्योंकि नए इन्फेक्शन में गिरावट का दौर धीमा रहेगा। IIT कानपुर लगातार कोरोना इन्फेक्शन पर मैथमेटिकल मॉडल रेडी कर रहा है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों को देखें तो देश के 12 स्टेट्स में कोरोना संक्रमण पिछली पीक को पार कर चुका है। इन स्टेट्स में महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, तेलंगाना और झारखंड शामिल है। इसलिए यह माना जा रहा है कि ये राज्य अब दूसरी लहर की पीक के करीब पहुंचने वाले हैं। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के निर्देशक प्रोफेसर जुगल किशोर ने कहा है कि कई राज्यों में अभी मामले बढ़ रहे हैं। जब कई राज्यों में पीक निकल चुकी होगी तो बाकी राज्यों में इन्फेक्शन बढ़ रहा होगा। ऐसे में भले ही नेशनल लेवल पर नए संक्रमणों में कमी का दौर शुरू हो, लेकिन गिरावट की दर धीमी रहेगी, इसलिए इन्फेक्शन को मिनिमम लेवल पर आने में टाइम लग सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जिस तेजी से एक महीने में रोजाना इन्फेक्शन 59,000 से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुँच गए हैं, उस तेजी से इसमें गिरावट नहीं आएगी। मोटे तौर पर यह माना जा रहा है कि जुलाई के बाद ही देश में कोरोना की दूसरी लहर काबू में आ पाएगी।